डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक CS 210 में PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग का है, जिसके अंदर हम मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी रैम और रोम है, रैम है उसको हम SD रैम और DDR में यहाँ बाइफिकेट करेंगे। तो मेमोरी क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, और जो CPU है वो मेमोरी फैच करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्राइमरी मेमोरी से, और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं, और वहाँ से डेटा आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से। तो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम दोनों हैं, जो रैम है वो वोलेटाइल है और रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत हो गया, रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी में का में SD रैम और D रैम में डिफ्रेंशिएशन है इसका, कि SD रैम और D रैम, और रोम में इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और जब बूटअप के लिए जब काम में लेते हैं तब रोम के रूटीन चलते हैं, और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को लोडर के द्वारा इनिशियली लोड करता है, और लोड करने के बाद वो उसको बूट कर देता है सिस्टम को, और बूट करने के बाद में सिस्टम बूट हो जाता है, उसका लाइट जाने पर भी उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ जो पार्ट्स हैं इसके, ये पार्ट्स में आपका रैम में DRAM और SRAM और DRAM। SRAM का मतलब है स्टैटिक रैम और D का मतलब है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में हम क्या डिफरेंस मान सकते हैं? तो स्टैटिक और डायनेमिक रैम का जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डायनेमिक रैम है वो ज़्यादा यूज आती है, वाइडली यूज्ड है, और मेन मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी में ज़्यादा यूज आती है डायनेमिक रैम। और इस ये जो है मेमोरी सेल से ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बना होता है, और कैपेसिटर्स की लीकेज प्रॉब्लम होती है तो इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये फास्ट होती है और फास्ट एक्सपेंसिव कम होती है, फास्ट तो SRAM ज़्यादा होती है। SRAM है वो स्टैटिक रैम बोलते हैं उसको, और वो ट्रांजिस्टर से बनती है, एक्सपेंसिव होती है और फास्ट होती है रैम से, DRAM से। उसके बाद हम आते हैं SDRAM। SDRAM का मतलब है सिंक्रोनियस DRAM। SDRAM का मतलब सिंक्रोनियस DRAM। सिंक्रोनियस DRAM का मतलब है कि जो आपका मेमोरी स्पीड है वो CPU क्लॉक से सिंक्रोनाइज्ड होती है। SDRAM है वो है सिंक्रोनियस DRAM, तो उसमें जो मेमोरी स्पीड है वो सिंक्रोनाइज किससे होती है? CPU क्लॉक की स्पीड से। इसलिए मेमोरी जो मोर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं वो CPU को मिलने में वक्त नहीं लगता, और आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं आगे, इसमें हम आगे आते हैं कि DDR1 DDR2। तो DDR जो है वो ये SDRAM के ही पार्ट हैं, बताए हैं किताब बुक्स में। तो डबल डेटा रेट SDRAM, DDR का मतलब डबल डेटा रेट SDRAM, DDR का मतलब डबल डेटा रेट वन, मान लो सिंपली डबल डेटा रेट टू, डबल डेटा रेट थ्री, डबल डेटा रेट फोर। तो डबल डेटा रेट जो SDRAM है उसकी बात करें तो ये इसकी बैंडविड्थ SDRAM से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इम्प्रूवड उसकी क्लॉक स्पीड होती है, इम्प्रूवड क्लॉक स्पीड कर दी है SDRAM की, तो उसकी ज़्यादा हो गई, तो वो DDR उसको नाम इसके इस DDR में स्पीड उसकी इम्प्रूवड मेमोरी क्लॉक स्पीड है, तो आपका डेटा फास्ट आएगा और एग्जीक्यूट प्रोसेस जल्दी करेगा। और ट्रांसमिशन जो डेटा है वो जो आता है वो जो क्लॉक को हम देखें तो राइजिंग और फॉलिंग एजेज है उन दोनों पे ही ये डेटा को फैच करता है। राइजिंग होते वक्त छोड़ मतलब नीचे गिरते वक्त भी सिग्नल, और ऊपर क्लॉक की सिग्नल अप होते हुए भी राइजिंग और फॉलिंग में गिरते, तो इसको हम डबलिंग कह सकते हैं कि डबलिंग द परफॉर्मेंस, डबल कर देता है परफॉर्मेंस को, और इसको हम डबल पंपिंग भी इसकी नाम में डबल पंपिंग भी लेते हैं। उसके बाद में आता है डबल डेटा रेट टू रैम। डबल डेटा रेट टू रैम में क्या है कि इसकी स्पीड फास्टर है किससे? DDR से, सिंगल सिंग DDR1 से मान लो या DDR से उसकी स्पीड ज़्यादा है। दूसरी बात कि ये इम्प्रूवड बस इसका बस सिग्नल इम्प्रूवड है, इसका बस सिग्नल DDR2 का इस बस सिग्नल इम्प्रूवड है, ये आपका DDR2 से डबल
की स्पीड पे वो प्री फेच बफर होता है, जो इसका प्री फेच बफर DDR1 से डबल होता है। उसके बाद हम आते हैं कि अगला इसके DDR3 की बात करें, तो DDR3 में देखिए आप, DDR3 के अंदर आपका DDR3 में आप देखेंगे तो आपके पास DDR3 है और डबल डेटा रेट 3, ये है कंज्यूम्स। मान लो कि ये पावर जो सप्लाई है या पावर लेस पावर सप्लाई यूज लेता है तो पावर सप्लाई ये कम लेता है, और ये DDR4 है वो आपका मोर इफ़िशियंट है, DDR4 है वो मोर इफ़िशियंट है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि जो आपका ये IGA4 HDRAM DDR1 DDR2, अब रोम की बात करेंगे हम, तो रोम के अंदर हम पढ़ चुके हैं और बाकी डिटेल में आप बुक्स में देख लीजिए। रोम में IP रोम, पी रोम, EEP रोम, प्रोग्रामेबल रोम कितनी साइज होती है, तो वो एक थ्योरिटिकल है जो आप बुक में से देख सकते हो। और पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम अगले इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, जिसको इलेक्ट्रिक आप कर सकते हो, रोम है वो अल्ट्रा वायलेट से होती है ये, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम, तो इसकी भी आप कंसेप्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक्स में से देख के और मुझसे और कंसल्ट करके, और क्लास जब लगेगी उस वक्त हम देख के कर सकते हैं। धन्यवाद।